अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं सरीना रहील आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, आपने व्हाट्सएप पे कहा था कि हम जो हैं विंटर में गबरेनी मैट गबरेनी जो फाउंडेशन है इसके साथ बेस बनाते हैं, तो हमारी बेस जो है वो इवन टोन में नहीं बनती, कहीं कम हो जाती है कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो है ये गबरेनी का जो डर्मा गबरेनी का फाउंडेशन है, ये इस तरह ट्यूब में मैंने पहले भी इस पे रिव्यू दिया हुआ है, ये शेड जो है मेरे पास 107 है, तो इसके साथ मैं आपको जो है विंटर में एज ए पार्टी मेकअप बेस बनाना सिखाऊंगी। और बहुत एक जो कह लें कि एक ट्रिक्स है जिसके साथ मैं आप लोगों को ये बेस बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इससे अपनी इवन बेस बना सकते हैं, क्योंकि मैट फाउंडेशन जो होते हैं वो विंटर में बहुत जल्दी जो है ना सेट करते करते ही फेस के ऊपर ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये मैं आपको जो है इसके साथ मुकम्मल जो एक पार्टी मेकअप बेस है विंटर की जो बेस है बहुत लॉन्ग लास्टिंग 24 आवर भी आप अपने फेस के ऊपर इस बेस को रखेंगे तो ये कहीं टच से मस नहीं होगी। तो ये देख लें जी, ये डर्मा का इसमें जो मैं बेस बनाऊंगी डर्मा का ये वाला फाउंडेशन है, और इसको इस मिस रोज के फाउंडेशन के साथ ये देख लें, मैंने ये मैं पार्लर में खुद भी यूज करती हूँ और ये थोड़ा सा रह गया है, इसके साथ मैं पार्टी मेकअप बेस जो है इसके साथ ही बनाती हूँ ये डर्मा का और ये इसके साथ, क्योंकि जैसे कि विंटर है मिस रोज का फाउंडेशन यूज करूंगी। ये 2 हो गया, नंबर 3 पे ये मेरे पास जो है ये मैंने इसके बारे में काफी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, ये सूसी की बेस है और ये आई कंसीलिंग बहुत अच्छी बेस है, फेस के ऊपर भी बेस आप एज ए जो इसे यूज कर सकते हैं। ये देख लें ये इस तरह से अंदर से ये देखिए बहुत अच्छी है, और इसकी जो शेड है 05 है, और ये सूसी सेट करने के लिए जो मैं लूज पाउडर यूज करूंगी ये क्रिस्टेन का लूज पाउडर यूज करूंगी, ये मैं आपको पार्टी मेकअप बेस बनाना सिखा रही हूँ। जैसे कि विंटर है, आप कह रहे थे ना कि विंटर में अब हमें बेस बनाना बता दें, तो ये लूज पाउडर सेट करने के लिए यूज करूंगी, और मैं अपनी हैंड के ऊपर करूंगी। अगर आप फेस के ऊपर कर रहे हैं तो विंटर है तो आप प्राइमर जरूर यूज करें, मैं ये प्राइमर यूज करती हूँ क्रिस्टेन का ये मैट फिनिश फाउंडेशन प्राइमर, बहुत अच्छा है, इससे ना आपके पोर्स जो हैं सारे फिल हो जाते हैं और आपकी एक जो है ना बेस वो इवन टोन में बनती है। तो सेट करने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर इस तरह से ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूंगी। तो ये देख ले कि ये सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं प्राइमर नहीं यूज कर रही क्योंकि मैं हैंड के ऊपर बना रही हूं, अगर आप फेस के ऊपर बनाएंगे तो प्राइमर जरूर यूज कर लिया करें वो भी विंटर में। तो प्राइमर के बाद मैं नेक्स्ट जो है मैं ये इस तरह से ये वाली जो सूसी की बेस है पार्टी मेकअप में इधर आपको बनाना सिखा देती हूँ। आप भी फाउंडेशन के साथ बेस बनाएं तो बेस को लगाने से फाउंडेशन को लगाने से पहले आप स्टिक या हांडी बेस या इस तरह जिस तरह से ये मैं लगा रही हूँ ये वाली जो सूसी की बेस है तो ये भी ड्राई है, बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती है। तो इसको लगाने से पहले आपने क्या करना है, ये हाथ से भी बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाती है, इस तरह से आपने ये अपनी 2 फिंगर के साथ जो है इसको इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें, अगर आप इसके नीचे प्राइम क्या करना है कि इसको लगाने के बाद आपने ये वाला जो है डर्मा का फाउंडेशन आपने इस तरह करना है कि आपने जस्ट ये केला यूज नहीं करना क्योंकि विंटर है, इस तरह से थोड़ा सा आपने हैंड के ऊपर ये इस तरह से निकाल लेना है। करूंगी कि इसके फाउंडेशन के अंदर जो है ना मैं ये वाला मिस रोज का फाउंडेशन थोड़ा सा ऐड करूंगी, वो इसलिए करूंगी क्योंकि ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है, ये मैट फाउंडेशन है तो आपने इसको अकेला यूज नहीं करना। अगर आपके पास मिस रोज का फाउंडेशन नहीं है, कोई और है, बस मैट नहीं होना चाहिए, मिस रोज का जिस तरह से ये लिक्विड फाउंडेशन है ऑल टाइप स्किन के लिए है, इसी तरह से आपने कोई सा भी फाउंडेशन ले लेना है, इसको इसके अंदर थोड़ा सा आपने जो है इस तरह डाल के तो आपने क्या करना है कि फिंगर के साथ इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है आप क्या करेंगे कि अब ये क्या करना है कि इस तरह से फाउंडेशन के ऊपर लगा के तो ये देखें इस तरह से आप सेट करेंगे, ये देखें, और ऐसे डैप डैप करते हुए आपने अप्लाई करना है बिल्कुल जो है हैंड के ऊपर बेस जो अच्छी तरह आपके फेस के ऊपर बेस जो है सेट हो जाए, बहुत आहिस्ता से रगड़ना नहीं है आपने। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जो है ये इस तरह से
ले लेना है लूज पाउडर। इस तरह से आपने इसको लूज पाउडर को लगाना है और अपने बेस के ऊपर इस तरह से सेट कर लेना है। अगर आप लूज पाउडर नहीं लगा रहे हैं तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे, कॉम्पैक्ट या फेस पाउडर लगाएंगे, और कॉम्पैक्ट क्रिस्टीन का, क्लैजोना का, ये बहुत अच्छे इनके कॉम्पैक्ट हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से, ये देखिए जी, ये इस तरह से आपने जो है विंटर में अपनी बेस बनानी है, जो एक पार्टी मेकअप बेस में आपको बता रही हूँ। अगर आप ब्राइडल बेस बना रहे हैं तो फिर आप ये इसकी जगह आप क्रेलोन टीवी पेंट स्टिक जो है इसकी जगह क्रेलोन टीवी पेंट स्टिक यूज करेंगे। अगर आप पार्टी मेकअप बेस बना रहे हैं तो फिर आप ये वाली बेस जो है यहाँ ये वाली जो सूसी की बेस है ये वाली यूज करेंगे, और ब्राइडल में आप ये वाला फाउंडेशन ही यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप ये वाला अगर फाउंडेशन मिक्स नहीं कर रहे तो फिर आप जो है मसरत मिसबा का कर लें, फिटमी का कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये गेबरेनी के साथ अगर आप इसको भी मिक्स करके ब्राइडल बेस बना लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी बेस बनेगी और लॉन्ग लास्टिंग बनेगी। जस्ट ये है कि इसकी जगह आपने क्रेलोन यूज कर लेना है। तो ये है विंटर में जो पार्टी मेकअप बेस जो आप अपनी एक बना सकते हैं, एज ए पार्लर में भी, एट होम भी आप बना सकते हैं। तो मैट फाउंडेशन को यूज करने का आपको मैंने ये बता दिया है कि इसके अंदर आप लिक्विड फाउंडेशन थोड़ा सा डाल लिया करें तो फिर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट होगा, कहीं कम या ज्यादा नहीं होगा। तो सो ये थी आज की मेरी वीडियो जो विंटर पार्टी मेकअप बेस पे आप लोगों को कैसी लगी। इन तमाम चीजों का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप ऑनलाइन बाय कर सकती हैं। तो अपने कमेंट्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी, अल्लाह हाफिज़।